enjoying your virtual classes or not? Learning through them? Very good. Today we'll start lesson number 4 of our grammar book, Singular and Plural. Aaj hum karenge Singular and Plural. This is your lesson number 4 of grammar, which is given on page number 25. Page number 25 है ना आपकी grammar book का, वहाँ पर ये chapter दिया हुआ है आपका. And टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर? सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मीन्स वन. जब कोई चीज वन होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कप. एक कप है ना ये, दिस इज सिंगुलर. दिस इज अ रिंग, ये वन है ना, सो दिस इज सिंगुलर. दिस इज अ बॉक्स, एक बॉक्स है ना, तो ये क्या है, ये सब हमारी चीजें क्या हैं, ये सिंगुलर है. ओके. एंड प्लूरल मींस मोर देन वन. जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं. जैसे ये क्या है, फोर कप्स है ना आपके, तो ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए, है ना. वन टू थ्री फोर, प्लूरल. ठीक है, प्लूरल हो गए, वन से ज्यादा है. वन बॉक्स है सिंगुलर, ये टू है तो क्या है, प्लूरल है. ओके. वन ब्लॉक खेलते हो ना आप इनसे, ये क्या है, सिंगुलर है. और ये बहुत सारे हो गए, ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए. ओके. व्हेन अ थिंग इज वन इन नंबर दैट इज सिंगुलर, like one bucket. And when the things are more than one in number, like two, these are plurals. ठीक है, आपको आया समझ में? क्या हुआ, singular and plural. Singular means one. When a thing is one in number, that is singular. And plural means more than one. When the things are more than one in number, they are plural. Got my point? Now I will tell you how can we make plurals from singular nouns. हम singular noun के plural कैसे बना सकते हैं? When a noun is singular means one. जब एक noun singular है, one है number में, we add s or es to it to make it plural. हम उसमें क्या add करते हैं, s या es add कर देते हैं, जिससे कि वो plural बन जाता है. अब देखिए कैसे. One hat, H A T, hat. एक hat की बात कर रहे हैं ना हम, लेकिन अगर हम three hat की बात करें तो हम उसे क्या करेंगे, hats. हमने इसमें क्या add कर दिया, s add कर दिया, तो ये one hat से क्या हो गया, three hats हो गया. ओके. One biscuit, B I S C U I T, biscuit. तो अगर हम two biscuits की बात करें तो हम क्या add करेंगे इसमें, s ऐड करेंगे, जिससे कि सिंगुलर से ये प्लूरल बन जाएगा. तो व्हाट वी हैव लर्न, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर इन नंबर और वन इन नंबर, वी ऐड s और es टू मेक इट प्लूरल. नाउ आई विल टेल यू व्हेन डू वी ऐड es टू अ सिंगुलर नंबर टू मेक इट प्लूरल. हम es कब ऐड करते हैं, वी ऐड es टू द नाउंस एंडिंग विद s, double S, CH, SH, O and X. जो वर्ड्स एंड होते हैं इनसे, S, double S, CH, SH, O and X. अब इनको हम कैसे लर्न करेंगे, ये आपके हैंड की फिंगर्स हैं. आपने क्या करना है, S, double S, CH, SH, X and O. ठीक है, ये आपने ऐसे लर्न करना है. अब आपने जो वर्ड्स इनसे एंड होते हैं उनको प्लूरल करके टाइम क्या ऐड करना है, es ऐड करना है. नाउ लेट्स सी, बस, b u s, बस. अभी इसका लास्ट लेटर क्या है, s है ना, तो जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, b u s e s, तो क्या बन गया, ये बसेस हो गया. ठीक है. Now glass. See the last letters of this word. Double S, G L A double S,
glass. So when we will make plural of this noun, we will add es. G L A double S E S glasses. B E A C H beach. C H इस word के last letters क्या है हमारे? C H है. तो यहाँ पर C H था, यहाँ C H. जब हम इसका plural करेंगे, तो हम क्या करेंगे? E S. B E A C H E S beaches. Got my point? Next is dish. D I S H. Okay. Last letters of these words are SH. Okay. So plural is D I S H E S dishes. Now potato. P O T A T O. Word ending with O. So potato के potatoes हम कैसे बनाएंगे? By adding E S. Clear? Now comes box. Word ending with X and the plural of this word will be B-O-X-E-S, boxes. Clear? Now, dear students, I hope you all have understood the concept very well. How do we add S and E-S? Now, students, let's do some more examples of singular and plural. What are you seeing on the screen? क्या देख रहे हैं आप? It is a duck. One duck is there, and when more than one duck will be there, those will be ducks. हमने उसमें क्या ऐड किया? S, ducks. तो duck का plural हमने S ऐड करके क्या बना दिया? Ducks. Okay. Now this is bench. मैंने आपको बताया था ना, last में CH होता है, तो हम क्या ऐड करते हैं? When a word ends with CH, we add ES to make it plural. जैसे हमने bench को plural बनाने के लिए क्या ऐड किया? ES, benches. Okay? Kite. What will be the plural of kite? Kites. We added S to the word kite. Okay? Pencil. One pencil है. इसका क्या है? Plural कैसे बनाएंगे हम इसका? S. Pencils. S ऐड किया हमने. Car. Car का plural कैसे बनाएंगे हम? Cars. देख रहे हैं ना आप? हमने उसमें क्या ऐड किया? S. अब जो हमारे rules हैं, उसके according हम S और ES ऐड करते जाएंगे. Okay? Now see, this is a book. One book है ना? तो हमने क्या लिखा हुआ है इसको? Book. And when more than one book will be there, तो that will be books. ठीक है? हमने उसमें क्या ऐड किया? S. Clear? Now, singular plural, we add S or ES to a singular noun to make it plural. Now, as an advisory work, you will do worksheet number 1 of this chapter in your book. See, this is one ball. Count these balls. 1, 2 and 3. You will write here 3 balls. Okay. Kite. One kite is written here. Now you will count the kites and write the numbers. Similarly, this is one finger. Count the fingers and write the number. One cow. Count the cows and write the number. Okay. Bye-bye.